डेरिवेटिव लेक्चर 4। फाइंड डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट एक्स। इट मीन्स कि वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। जेकर देखा जाए वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, इट मीन्स सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वाई। जेकर अपनी लीनियर इक्वेशन वाई विच आ जाए, देन डेरीवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये कुछ बेसिक गल है, सिंपल जी अपने काम हो। फर्स्ट सम है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, पाई इज कॉन्सटेंट। डेरीवेटिव फाइंड करना है, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। डेरीवेटिव ऑफ एक्स मीन आप पहला भी गल की थी, जिदे विद रिस्पेक्ट डेरीवेटिव होंगे वह वन बन जाता है। इट मीनस डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई। मतलब डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट एक्स मीन वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, देन डेरीवेटिव डेरीवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। एंड पाई इज कॉन्सटेंट, डेरीवेटिव ऑफ कॉन्सटेंट इज इक्वल टू जीरो। हुण इस लीनियर इक्वेशन विच्चों डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे, देन डी वाई बाय डी एक्स मूव टू राइट हैंड साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड इज नैगेटिव, दैन राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। मीन जदों भी आपां नैगेटिव टर्म नूं मूव करांगे, नैगेटिव टर्म नूं मूव करांगे, वो ओपोजिट साइड जाके पॉजिटिव बन जाती है। मीनस वन इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। दिस आंसर नेक्स्ट सम एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स इंटू वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू फाइव। इस फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करना है, सेम एज इट सिंपल। डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मीन उस तरह ही पावर अगे पावर एक माइनस थ्री एक्स स्केयर। डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म टू एज ए स्केलर फिक्स, इन एक फिक्स टर्म मना। डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर इंटू वाई, गौर देखिए एक्स स्केयर वाई इंटू वाई, ये दो टर्म आपस की है प्रोडक्ट हो रही हैं, दैन इट वैल सॉल्व बाय प्रोडक्ट रूल। इनू फस्ट मनो, इनू सैकेंड मनो, इन्हों करो डेरीवेटिव। फस्ट ओमी डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड वाई, दैन वाई इज इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वाई इज इंडिपेंडेंट फंक्शन, दैन डेरीवेटिव वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकेंड सेम एज इट एंड डेरीवेटिव ऑफ फस्ट। डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर मीन्स पावर अगे पावर एक कट। इट मीन्स इस फंक्शन का डेरीवेटिव पूरा सॉल्व होके एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स वाई। हुण इस वैल्यू नूं आपां इत्थे पुट कर देंगे, टू स्केलर है इनू आपां बाहर रखांगे क्योंकि एक्स स्केयर डेरीवेटिव ऑफ वाई प्लस टू एक्स वाई। ये टू बाहर किवें रखा है, इनू ऐ समझो जो टू है ये एक्स स्केयर वाई ना की हो रहा है मल्टीप्लाई,
जे टू एक्स स्केयर वाई ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीनस टू इन दोनों के डेरीवेटिव नाल की है मल्टीप्लाई होगा। जे मल्टीप्लाई होगा तो उन्होंने अपन ब्रैकेट चो बाहर रखा। ओके दैन डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म, हूँ इस टर्म का डेरीवेटिव डेरीवेटिव करना है, प्लस थ्री स्केलर है इनू बाहर रखा। हूँ डेरीवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई स्केयर सेम एज इट दिस, जिमें इस टर्म विच एक्स एंड वाई दोनों इकट्ठे आए सी, इट मीनस प्रोडक्ट रूल इनू फस्ट मनांगे, इनू सैकेंड मनांगे। डेरीवेटिव ऑफ फस्ट सॉरी फस्ट सेम एज इट डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड टू वाई पावर अगे पावर एक कट फिर पावर अंदर कौन है वाई ना फिर डेरीवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस सैकेंड सेम एज इट वाई स्केयर द डेरीवेटिव ऑफ फस्ट एक्स वन, इसमें सॉल्व कर लो टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्केयर। हूँ इस वैल्यू नू इत्थे पुट कर देंगे टू एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्केयर। हूँ डेरीवेटिव करांगे इस टर्म का, फोर एज ए कॉन्सटेंट डेरीवेटिव ऑफ वाई क्यूब उवें पहला पावर अगे पावर एक माइनस फिर पावर के अंदर वाई है पावर के अंदर वाई है तो डेरीवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फाइव इज कॉन्सटेंट डेरीवेटिव ऑफ कॉन्सटेंट इज इक्वल टू जीरो। हुण आपां इस सारी टर्म नूं ओपन करांगे जां सॉल्व करांगे जां मल्टीप्लाई करांगे कुछ मर्जी कर लिए। थ्री एक्स स्केयर हुण टू की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट नाल कर देंगे प्लस टू एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स प्लस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स वाई डेरीवेटिव प्लस थ्री वाई स्केयर प्लस ट्वेल्व वाई स्केयर इंटू डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो। हुण इस पूरी टर्म विच्चों आपां डेरीवेटिव फाइंड करना है, मीनस कि आपां जिन्ने भी डेरीवेटिव वाले कोएफिशिएंट है उन्हां नूं एक फैक्टर दे विच इकट्ठे करांगे, मीन जिन्हां नाल डेरीवेटिव लग्या होया उन्हां दी एक फैक्टर बनाओ, मतलब उन्हां दी एक टर्म बनाओ। टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई स्केयर इंटू डेरीवेटिव, मीनस जिन्हां नाल डेरीवेटिव लग्या होया सी उन्हां कोलों डेरीवेटिव की आपां कॉमन ले लिया, बाकी बचे कॉन्सटेंट जो बिना डेरीवेटिव तो है उन्होंने एक ब्रैकेट विच करांगे आपां कंबाइन। थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। हुण इस स्टेप विचों आपां डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे, किवें जो ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो रही है इनू मूव करांगे राइट हैंड साइड जाके ये टर्म नेगेटिव बन जू। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्केयर। जो ये टर्म है डी वाई बाय डी एक्स में कि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड जाके की होजू डिवाइड होजू टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई स्केयर। ये सारा की है ये डी वाई बाय डी एक्स की
वैल्यू आ गई, ये अपना आंसर। हम डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। थोड़े गौर ना करेंगे। अब पहले अपना लेक्चर दूजे विच गल की थी कि जो साइन स्क्वेयर वाई कुछ कुछ इस तरह सा सम आ जाए तो इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर उदा एंगल। पहला पावर सॉल्व करेंगे, फिर डेरीवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उसके नाल ही डेरीवेटिव करेंगे एंगल का। तो देखो साइन स्केयर वाई मीन्स डेरीवेटिव करना है साइन स्केयर वाई का। पहला पावर अगे टू साइन वाई, फिर पावर के अंदर कौन है ट्रिग्नोमेट्री, वो किन्नी साइन, तो डेरीवेटिव साइन कॉस वाई। एफ्टर ट्रिग्नोमेट्री डेरीवेटिव करेंगे एंगल का, एंगल किन्ना है वाई, तो डेरीवेटिव ऑफ वाई किन्ना हो डी वाई बाय डी एक्स। ओके प्लस डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई, सेम इसे प्रोसैस में फॉलो करो, पावर इंटू ट्रिग्नोमैट्री इंटू एंगल। हुण इस टर्म विच्चों पावर तो है नहीं, मीन्स पावर वाला स्टेप की है स्किप हो गया। हुण वारी की दी है ट्रिग्नोमैट्री दी, ते ट्रिग्नोमैट्री अकॉर्डिंग अपने कोल की है कॉस, मीन्स डेरीवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन एक्स वाई। एफ्टर ट्रिग्नोमेट्री डेरीवेटिव करांगे एंगल, एंगल की है एक्स वाई। मैं एक्स वाई मीन्स के दोनों आपस की है, एक्स वाई दोनों आपस की है प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इन्हों दोनों का डेरीवेटिव करांगे प्रोडक्ट रूल ना, फर्स्ट सेकंड डे फर्स्ट ओवी डेरीवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाय डी एक्स, प्लस सेकेंड ओमी डेरीवेटिव फर्स्ट वन। एक्स वाई का डेरीवेटिव किन्ना होगा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई, इन्हें इतने पुट कर दो। हम इस ब्रैकेट की मल्टीपली ओपन करेंगे अपना, टू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई वन नाल सेम मैथड उ रहू। हुण पूरी इस टर्म विच्चों आपां डी वाई बाय डी एक्स की है कॉमन करांगे, जिन्ना नाल लग्या होया मीन उन्हां दे फैक्टर बनावांगे। डी वाई बाय डी एक्स इंटू टू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। सॉरी एक स्टेप मिस हो गया, डेरीवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पाई अपना की है कॉन्सटेंट है। हुण इस पूरी टर्म विच्चों आपां डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम उवें पहला कीती सी आपां। इहनू मूव करांगे राइट हैंड साइड, ए राइट हैंड साइड जाके अपना की है नैगेटिव हो जूगा, तो जो ए टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो ए अपनी राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जू। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई बाय टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये अपना आंसर।
अगला सम है एक्स इंटू डेरीवेटिव, सॉरी एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, देन डेरीवेटिव प्रूफ करना है इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स द होल स्केयर। इस स्टार्टिंग करेंगे अपन एक्स रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इस टर्म नू अपन राइट हैंड साइड की है मूव करांगे, एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स, स्केयरिंग बोथ साइड एक्स स्केयर इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर इंटू वन प्लस एक्स। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई करांगे, इन्हों दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करांगे, एक्स स्केयर इंटू सॉरी एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू वाई, वाई स्केयर प्लस एक्स इंटू वाई स्केयर। फिर इस टर्म नू आपां लेफ्ट हैंड साइड मूव करांगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। हुण पूरी टर्म की आपां की है पूरी टर्म की है सैपरेट करांगे जां इहदे फैक्टर बनावांगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ दोनों टर्मा एक ब्रैकेट विच, एक्स स्केयर इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्केयर इन्हों दोनों विच्चों एक्स वाई की है कॉमन लवेंगे प्लस एक्स वाई। इस टर्म नू एक्स वाई ने डिवाइड किया अंदर बजू एक्स, माइनस इस टर्म नू एक्स वाई ने डिवाइड किया बजू वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टर्म के उपर आप की है आइडेंटिटी लावे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इस पूरी टर्म विच्चों आपां एक्स माइनस वाई की है कॉमन लवेंगे, अंदर बचू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। इस टर्म नू आपां राइट हैंड साइड मूव करांगे तो जीरो नाल डिवाइड हो जू तो ये ओवरऑल की है खत्म हो जू, तो अपने को बचूगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। हुण इन्हां दोनों विच्चों वाई कॉमन लवेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। हुण इस टर्म के विच्चों वाई की वैल्यू फाइंड करांगे, वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स। हुण इस टर्म का आपां डेरीवेटिव करांगे बाय कोशेंट रूल। कोशेंट रूल की हुंदा है डेरीवेटिव ऑफ डिनोमीनेटर मीन सॉरी स्केयर ऑफ डिनोमीनेटर मीन सैकेंड टर्म का करांगे आपां स्केयर, सैकेंड टर्म सेम एज इट डेरीवेटिव ऑफ फस्ट माइनस वन फार्मूले विच माइनस फस्ट सेम एज इट ओवें रखांगे आपां इत्थे डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड वन। इस नूं ओपन करांगे माइनस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर दोनों कैंसल माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का स्केयर। यही चीज़ आप
प्रूफ करनी सी, देन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।